जस्ट हैव ए लुक। तो अभी हम हैं गुप्तेश्वर महादेव केव में और ये एक छोटी सी प्यारी सी मार्च। हाय ग्रो, हाय बीटी इसमें कौन सा, सॉरी नेपाली नहीं आता हमें। नाग से इसके उसमें बनाया गया ऐसे कुंडली मार के और ऊपर बोलने के लिए दोनों एक मुखी रुद्राक्ष हैं। बाकी तो अब तो ये पानी जो दुनिया को देता है लोग उन्हीं के ऊपर देखो कैसे पैसे। तो पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, दिखाता हूँ आपको भाई, सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। जस्ट हैव ए लुक, वाह सो ब्यूटीफुल यार। सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है विष्णु भगवान, देखिए लेटे हुए कितने खूबसूरत लग रहे ना, मतलब अपना हिंदू कल्चर ना देखिए कितना ज़्यादा नेपाल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम हैं गुप्तेश्वर महादेव केव में और ये एक छोटी सी प्यारी सी मार्केट है, बहुत ही खूबसूरत है और केव का नज़ारा बहुत ही शानदार है। और ये है केव जो कि पोखरा नेपाल में है, बहुत ही सुंदर है, मतलब एक सांप की जो आकृति होती है ना उसमें बनाया गया है। और वो सामने पेड़ की जो छाया है वहाँ पे अपना विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। तो टिकट लगती है यहाँ अंदर जाने के लिए शायद, तो पहले टिकट लेते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर यहाँ से। हाय ग्रो, हाय, क्या नाम आपके? श्रेया। और आपका? सोनू। बहुत प्यारे नाम है। अरुण। थैंक यू। और यहाँ पे है केव, तो मे भी वीडियोग्राफी ना अलाउड हो तो देखते हैं। तो ये अपना गुप्तेश्वर महाराज के मंदिर में अंदर की तरफ गुफा भाई, और सामने की तरफ से आ रहा है अपना पानी, मतलब झरना है वो वाटरफॉल। तो चलिए गुफा को आपको दिखाता हूँ, मंदिर के दर्शन कराता हूँ, अगर कोशिश करूँगा कि दर्शन करा पाऊँ, अदरवाइज यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। और ये काफ़ी अंदर आके मतलब केव है, काफ़ी ज़्यादा अंदर आके। चलिए चलते हैं आगे। ये झरने का ना सिर्फ और सिर्फ जो नीचे वाला हिस्सा वो यहाँ से दिखाई देता है, अभी जो सेकंड जगह पे जाएंगे तो वहाँ से पूरा का पूरा वाटरफॉल का व्यू आएगा। ये पूरा का पूरा मतलब जो नीचे वाला पत्थर है ये अपने आप बना हुआ है, और जो ये है स्पोर्ट के लिए मैन मेड है।
थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि स्लिपरी ज़्यादा है और पत्थर ही पत्थर है और सर बचा के हर जगह। नेपाली नहीं आता हमें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये यहाँ पे मंदिर, तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। तो भाई फाइनली केव से तो बाहर आ चुके हैं। केव में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, मतलब और ऑक्सीजन लेवल भी भाई कम था, सफोकेशन सा फील हो रहा था। तो बाहर आने के बाद थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि भी हाँ अभी जिंदा बचेंगे, अदरवाइज तो अंदर जाके तो ये हो चुका था कि प्राण यहीं पे त्याग देंगे, यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और बाहर आते ही देखो आप, मतलब जो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ना, ये अपना नागशेष के उसमें बनाया गया ऐसे कुंडली मार के, और ऊपर तभी वहाँ पे अपना उन पेड़ के नीचे नारायण जी को लेटाया हुआ है। तो एक बार ये और दिखाता हूँ आपको, ये जो जब शिव जी महाराज ने विष पिया था अपना समुद्र मंथन के टाइम पे, तो उसका कुछ बड़ा शानदार सा नज़ारा ये है। ये अपना यहाँ पे ही मार्केट है, सांप। मैं एक सांप को रखे हुए हूँ, वो थोड़ा है, दो दो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। बहुत ही प्यारी और शानदार सी मार्केट है, फॉरनर काफी आते हैं यहाँ पे। ये है एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष तो ये दोनों एक मुखी रुद्राक्ष है भाई, तो बोलने के लिए दोनों एक मुखी रुद्राक्ष हैं। बाकी तो अब इनका कोई भी भाई, ये अपना बता रहे हैं कि भाई अपना एक मुखी रुद्राक्ष है ओरिजिनल, बाकी कुछ मतलब अलग बोल रहे हैं, कुछ अलग बोल रहे हैं। और तो भाई यहाँ पे एक मुखी रुद्राक्ष देखा है मार्केट में, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ से एक मुखी रुद्राक्ष लेके आना, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि भाई अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो ये इंडोनेशिया वगैरह का बोलते हैं, रेप्लिका है डुप्लीकेट है आई डोंट नो, लेकिन जो जहाँ तक मैंने ऊपर अपना पंडित जी से भी पूछा था तो वो बता रहे थे कि भाई एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो किसी को मिलता ही नहीं है, क्या पता करोड़ों में एक ही किस्मत हो जिसको एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है जो ओरिजिनल होता है, अदरवाइज नहीं मिलता। यही उसके सामने ही अपना डेविज वाटरफॉल है, जो कि वाटरफॉल आपका वहाँ से दिखाई दे रहा था। तो एंट्री करते के साथ ही आपको मिलेगी यहाँ पे मार्केट, खूबसूरत सी। और वो है जी सामने, वेलकम टू डेविज फॉल। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। तो ये है यहाँ का मैप,
फोटो जोन नेपाली कल्चर के साथ अपना उस तरफ है, लॉर्ड बुद्धा इस तरफ है, एग्जिट उस तरफ है, टॉयलेट इस तरफ है, अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज ये इस तरीके से दिखाई हुई है, और देवीज फॉल उस तरफ और समर हाउस सामने है। तो फिलहाल अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। हमने रियल देख लिया भाई, तो ये तो थोड़ी सी तो जो वाटरफॉल आपको गुप्तेश्वर मंदिर में अपना नीचे की तरफ केव में देखने को मिलता है, वो वाटरफॉल यहाँ पे है। तो अभी आगे चलते हैं और वाटरफॉल देखते हैं। वीडियोस वगैरह देखी हैं, बहुत खूबसूरत है। तो अभी लाइव देखने की बारी है और दिखाने की। साउंड काफी तेज है बट दिखाई नहीं दे रहा अभी भी। आई गेस यहाँ पे है, तो जैसा कि यहाँ पे जो अपना वर्क कर रहे हैं, मतलब अपना वर्किंग है, उन्होंने बताया कि भी जो ये वाली केव है ये अपना एक तरीके से आर्टिफिशियल है। क्या है, जो अपना रिवर साइड है वहाँ पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो भाई यहाँ पे अपना छोड़ देते हैं, तो ये उस टाइम पे यहाँ पे अपना पूरा का पूरा फुल हो जाता है। अदरवाइज तो अभी तो सिर्फ आवाज़ सुन के ही काम चलाना पड़ रहा है। बाकी बोल रहे हैं कि 2 महीने के बाद जब अगर आप आते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं है। ठन ठन गोपाल, थोड़ा सा पानी है, देखाता हूँ। तो ये पानी यहाँ पे आ रहा है और अपना नीचे उसी केव में जा रहा है। अदरवाइज ये भाई बता रहे थे जैसे वहाँ से है ना पूरा का पूरा ये कवर हो जाता है, मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी आप खड़े नहीं हो सकते। जो दुनिया को देता है लोग उन्हीं के ऊपर देखो कैसे पैसे चढ़ा रहे हैं यार। ये है भाई नेपाल। वैसे इंडिया में भी यही हालत है, लेकिन ये गलत चीज़ है। इससे बेटर है कि आप किसी को खाना वाना खिला दो या फिर कुछ भी, लेकिन ऐसा मत करो। किसी भूखे को खाना खिला दो, गाय को चारा डाल दो या कुछ भी, लेकिन ये दुनिया को देते हैं और आप इन्हीं को, क्या बात है। तो भाई ये है विश पुल, मतलब अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए, मनोकामना पूरी करवाने के लिए आप इसमें कॉइन डाल सकते हैं। और मैं दिखाऊं तो पानी में अपना देखो, तो चलिए इन्हीं की दी हुई है सब कुछ भाई। यहाँ पे चेंज भी मिलता है, तो आपको नेपाली कल्चर देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप फोटो शूट वगैरह करा सकते हो, लाइक क्लोथ वगैरह जैसे स्टैचू बना के। वाओ, भाई जबरदस्त। तो हिमांशु भाई कर रहे हैं एग्जिट पे वेट, तो चलिए चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, हमारी चौथी डेस्टिनेशन। हिमांशु भाई के तो भाई वो हार्ट बार आने वाला है, बोल रहे हैं कभी मेरे से नहीं जाया जाएगा, लेकिन इनको जबरदस्ती लेके जाऊंगा। ए बनियों के लड़के, काफी खूबसूरत खूबसूरत सी मार्केट है, शॉप्स हैं, टी शर्ट काफी अच्छी है ना। रुको, तो भाई सीन हो गया कुछ ऐसा कि ना अपना मेमोरी कार्ड ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड मिल नहीं रहा क्योंकि
मतलब मिल रहे हैं, लेकिन क्लास 3 क्लास 2 के मिल रहे हैं और क्लास 10 चाहिए हमें, और रेप्लिका हैं सारे के सारे। तो कम से कम 2 घंटे हो गए, हमें पूरा का पूरा पोखरा छान मारा, लेकिन अभी तक हमें अपना मेमोरी कार्ड नहीं मिला। तो देखते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा।